हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे हमारा काम चल रहा था और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आप सब ने कर लिए होंगे। और इंटरवल्स बनाने भी हमने डिस्कस किए थे कि कहाँ से कहाँ तक कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और कहाँ से कहाँ तक कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, ये सब हमने डिस्कस कर ली थी। जब भी आप लेक्चर देखें तो एक बार आप लेक्चर देखने से पहले पीछे हमने क्या पढ़ा था वो सब क्विकली 5-10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लें और फिर लेक्चर स्टार्ट करें। इससे आप जब भी आप जो चीज़ें यहाँ पर देख रहे होंगे सुन रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप पहले से अपने दिमाग में सारे की पॉइंट्स सारे कंसेप्ट रखें, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दिया हुआ है, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इस क्वेश्चन में टोटल पांच पार्ट्स दिए गए हैं और सभी में हमें उन फंक्शंस की मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। और मोनोटोनिक या मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब भी ये कहते हैं कि कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक है तो इसका मतलब यह है कि वो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर है। तो हम अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा है कि इन फंक्शंस की मोनोटोनिसिटी चेक करो तो इसका मतलब ये देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से क्या है, यही हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो कोई नई बात नहीं है, वही हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट हमने लिया, एक फंक्शन है e पावर ए एक्स एंड a इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन है हमारे पास e की पावर ए एक्स और इसमें जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, आई मीन पॉजिटिव है। हमें इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव ही बताएगा कि उसका नेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से क्या है। e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव खुद e की पावर ए एक्स और इस ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा a, इस ए एक्स का डेरिवेटिव a आ गया। अब क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा है कि a इज ग्रेटर देन 0, आई मीन जो ये a है ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और जो e की पावर x है बच्चे ये भी ग्रेटर देन 0 रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। e 2.71 उसकी पावर कुछ पॉजिटिव की जा रही है, 2.71 की पावर पॉजिटिव ही तो है तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दो पॉजिटिव टर्म्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, इक्वल 0 नहीं हो सकता ये कभी भी, ग्रेटर 0 रहेगा, इक्वल 0 ना तो ये इक्वल 0 दिया हुआ और e की पावर x कभी 0 नहीं होता, e की पावर x हमने बताया था ना कभी भी 0 नहीं होगा। अगर e की पावर x 0 हो गया तो फिर x माइनस इंफिनिटी होगा क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी को ही हम 1/e पावर इंफिनिटी लिखेंगे और इसी को हम 1/इंफिनिटी कहेंगे तभी ये 0 बनेगा। सो e पावर ax तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो सार क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल का केस नहीं आएगा। सो देयर प्रोडक्ट इज एग्जैक्ट ग्रेटर 0। सो वी से द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, वर्ड स्ट्रिक्टली यूज करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर इक्वल भी होता, ग्रेटर देन और इक्वल होता तो हम स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ क्या लिखते, इंक्रीजिंग, क्योंकि वहां इक्वल होने की भी कंडीशन आ जाती, राइट। यहां पर सिर्फ सार ग्रेटर 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस पर चेक करते हैं, यह एक फंक्शन है, इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। हमने इसका डेरिवेटिव किया, एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, ए पावर एक्स। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 पावर एक्स इंटू लॉग ए, मतलब लॉग 1/2।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये, ए पावर एक्स, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब इसका चेक करना है कि ये जो रेट ऑफ चेंज आया है, ये जो डेरिवेटिव आया है, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम इसमें चेक करेंगे। सो एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू पावर एक्स, और जो ये हम देख रहे हैं लॉग 1/2, हम इसे लॉग 1 माइनस लॉग 2 लिख सकते हैं। लॉग m बाई एन क्या लिखेंगे, लॉग m माइनस लॉग n। सो f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1/2 पावर x, लॉग वन की वैल्यू 0, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस लॉग 2 कितना हो गया, माइनस लॉग 2। सो दिस वन इज माइनस, पूरा बाहर निकाल दे, 1/2 पावर x एंड लॉग 2। अब देखिए बच्चे, जो 1/2 की पावर x है ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, 1/2 पावर x चाहे कुछ भी कर लो, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लॉग टू का रिजल्ट भी आप सब जानते हो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट जब इस नेगेटिव बाहर नेगेटिव से टकराएगा तो इस कंप्लीट का रिजल्ट लेस देन 0 होगा ना, नेगेटिव होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन, इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव में आया तो क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिया गया फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, दिया गया फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमने इन दोनों फंक्शन पे मोनोटोनसिटी चेक के, ठीक है, कीजिए आप इसके सभी पार्ट्स, आगे के क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं हम, एक बार आप स्टेटमेंट पढ़िए फिर इसका सोल्व करते, आप फटाफट स्टेटमेंट पढ़िए इसकी। हाँ जी, आप सबने स्टेटमेंट पढ़ी, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट फंक्शन दिस, प्रूव करना है कि फंक्शन है ये, इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से कुछ भी नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन सा, स्ट्रिक्टली ऑन इंटरवल -1, 1, ओपन इंटरवल -1, 1, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन -1 से 1 तक के इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा। चले चेक करते हैं, तो आप जब इंटरवल की बात आ गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन हमारे पास दिया गया है x² - x+1, हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x - 1। इंटरवल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव जब 0 होगा, रेट ऑफ चेंज जब 0 होगा, तो पता चलेगा कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ चेंज 0 है, और जिस पर रेट ऑफ चेंज 0 है वहीं से उसका ग्राफ टर्न लेगा। सो 2x - 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ है, इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो 1/2, एक्स जब 1/2 है तब इसका रेट ऑफ चेंज 0 हो गया, 1/2 के ऊपर इसके ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा 1/2 के ऊपर जो उसका टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तभी तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 है, स्लोप 0 हो गया टेंजेंट का। अब हमें क्या करना है, कौन सा इंटरवल देखना है, -1 से 1, तो -1 से 1 इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक ऑब्जर्व करना है, -1 से 1 तक, तो -1 से 1 तक कौन है, 1/2 आ गया जिसके ऊपर इसका ग्राफ ट्रन ले रहा है, तो जो इंटरवल बनेगा हमारा
जीरो माइनस वन वन, सिर्फ यहां माइनस वन से वन तक ही देखना है, और इसके बीच में कौन आ गया हमारे पास वन बाई टू, है ना, वन बाई टू एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई। तो इंटरवल कितने बने, जितनी वैल्यू आते हैं उससे एक ज्यादा बनेंगे इंटरवल, तो इस बार इंटरवल कितने बनेंगे, दो। कौन कौन सा, एक तो माइनस वन से वन बाई टू और एक वन बाई टू से वन, क्योंकि मुझे सिर्फ माइनस वन से वन तक के इंटरवल में ही चेक करना है, इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना। तो सबसे पहले इंटरवल कौन सा, ऑन इंटरवल माइनस वन वन बाई टू, ओपन इंटरवल, ना माइनस वन को शामिल करना है ना वन बाई टू को शामिल करना, क्योंकि इन दोनों ये तो इंटरवल ओपन इंटरवल दिया ही हुआ है, और वन बाई टू को इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वन बाई टू के ऊपर तो रेट ऑफ चेंज जीरो है। अब देखिए इस डेरिवेटिव में माइनस वन से वन बाई टू के बीच कोई एक वैल्यू रख करके देख लें, कितना है, जीरो। जीरो अगर रख करके देखेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस वन, दैट इज लेस देन जीरो, नेगेटिव है। अगर इस इंटरवल पे इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस वन वन बाई टू। इस इंटरवल के ऊपर इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। अब हम चेक करते हैं ऑन इंटरवल वन बाई टू वन, वन बाई टू वन, इस इंटरवल पे चेक करते हैं। तो वन बाई टू से वन के बीच में कोई एक वैल्यू रख करके देख लें, 1 बाई टू मतलब 0.5 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू, 0.6 रख दी हमने, 0.6 यहां रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.6 1.2 माइनस 1 इट इज 0.2, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज कैसा, पॉजिटिव, किस पॉइंट पे, इस इंटरवल पे। क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1/2 1, 1/2 1 इंटरवल पे इसका रेट ऑफ चेंज कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वन से वन तक का जो इंटरवल है, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई माइनस वन से वन तक ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो गया, या माइनस वन से वन तक ये फंक्शन डिक्रीज हुआ, मतलब माइनस वन से वन तक के एंटायर इंटरवल पे ना तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस वन से वन के बीच में एक पॉइंट कौन है, 1/2 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इसका ग्राफ टर्न ले गया, तो ये तो टूट करके गया ना, माइनस वन से वन बाई टू तक तो कैसा आया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर 1/2 से वन तक कैसा आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो माइनस वन से 1/2 तक कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीजिंग, और फिर इसके बाद कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि माइनस वन से वन तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हुआ या स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुआ, ऐसी तो केस नहीं बनना ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, स्ट्रिक्टली ऐसे तो नहीं हुआ ना ये, या फिर ऐसे भी नहीं हुआ, माइनस वन से वन तक अगर आप ऐसे बनाएं ग्राफ तो ऐसा तो नहीं है ना कि माइनस वन से वन तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया हो या माइनस वन से वन तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया हो, ये तो क्या हुआ कि माइनस वन से वन बाई टू तक, माइनस वन से वन बाई टू तक तो कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हुआ, फिर 1/2 1 से कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुआ, और यहां पर रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया, यहां पर रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राफ यही बने, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि मैं क्यों कहूंगा कि माइनस वन से वन तक इसका जो रिजल्ट आया वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली क्यों नहीं आया, ये आप सब जान गए होंगे कि ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, आप ये लाइन लिख देंगे,
सिंस द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस, सो दिस इज दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन इंटरवल दिस। ठीक है, ये आप नोट करें, अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की लिस्ट वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, सच दैट द फंक्शन, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1-2। इस फंक्शन में ए की लिस्ट वैल्यू बतानी है, छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कब, जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो, जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो ऑन इंटरवल 1-2 के ओपन इंटरवल पे। चलिए हम इसका फंक्शन हम देख पा रहे हैं कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस वन, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस ए। अब देखिए ये जो x है, इसमें जो x जो यूज करना है, इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमें कहां से कहां तक देखना है, 1-2 तक देखना है सिर्फ। x की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1-2 के बीच में रहेगी, इसका जब ग्राफ प्लॉट होगा तो x की वैल्यू सिर्फ 1-2 के बीच में रहेगी। अब इसका रेट ऑफ चेंज कितना आया, 2x प्लस ए, तो मैं देख लेता हूं कि जो रेट ऑफ चेंज है वो 1-2 तक कितना रहेगा, कहां से कहां तक रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस x को ये 2x प्लस ए बनाऊंगा, तो पहले x के आगे क्या आना चाहिए, 2, कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लेस देन 2x लेस देन 4, कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2 पॉजिटिव टर्म ही है, सब में a ऐड किया, 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए लेस देन 4 प्लस ए। ठीक है, अब जो 2x प्लस ए है, जो रेट ऑफ चेंज है वो कहां से कहां तक है, 2 प्लस ए से 4 प्लस ए तक है, जो रेट ऑफ चेंज का अमाउंट है वो 2 प्लस ए से 4 प्लस ए तक रहेगा ना, किस इंटरवल में, 1-2 तक। अगर x आपका 1-2 तक है तो जो रेट ऑफ चेंज का अमाउंट है 2x प्लस ए, उसका अमाउंट 2 प्लस ए से 4 प्लस ए तक रहेगा, और हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ गई होगी, ये जो रेट ऑफ चेंज का जो अमाउंट है 2 प्लस ए और 4 प्लस ए, ये पॉजिटिव होगा तभी तो इंक्रीजिंग रहेगा। तो इसका मतलब जो 2 प्लस ए है, छोटा अमाउंट तो ये है ना, जो 2 प्लस ए है ये क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल 0 भी लगाएंगे क्योंकि इंक्रीजिंग दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली नहीं था इंक्रीजिंग था। तो अगर 2 प्लस ए, क्योंकि लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो लिस्ट तो ये है ना, 2 प्लस ए क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब 2 प्लस ए पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 प्लस ए तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो यहां से a ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना रहेगा, -2। जो a की लिस्ट वैल्यू है, a की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, क्यों, क्योंकि a को -2 से ग्रेटर या -2 के इक्वल होना पड़ेगा, अगर यहां पे a -2 या -2 से ग्रेटर है तो ही इसका रेट ऑफ चेंज इस इंटरवल पे पॉजिटिव रहेगा, तब ये इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए a को मिनिमम कितना होना पड़ेगा, -2 होना पड़ेगा। बात समझ में आई, -2 से ग्रेटर तो कुछ भी हो जाए वो तो कोई अंत है नहीं, बट लिस्ट कितना रहेगा, -2 रहेगा। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 डिस्कस करेंगे बच्चे। अब 12 के बाद
जितने भी ये फंक्शंस हैं इनमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन हमारे पास है कोस एक्स। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरवल्स बताइए कि ये फंक्शन कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। कब? जब एक्स जीरो से टू पाई तक है, जब इस कोस एक्स का ग्राफ जीरो से टू पाई तक बनाया है, इसमें जो एक्स है एक्स जीरो से टू पाई तक है, राइट। चले तो हम इसका डेरिवेटिव करें, कोस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, जीरो से टू पाई तक का खेल हमें खेलना है। तो जीरो से टू पाई तक फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव, फिर पाई बाई टू से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स पॉजिटिव, यहां अगर के नेगेटिव होता है ना। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा, व्हेन जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, जब एक्स की वैल्यू जीरो डिग्री से पाई डिग्री तक है, देन जो साइन एक्स है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आई? लेकिन जो एफ डेरिवेटिव एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स तो लेस देन जीरो रहेगा ना। बात आपको पक्के समझ में आ गई होगी, जीरो से पाई तक साइन एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन साइन एक्स पॉजिटिव है जीरो से पाई तक, लेकिन बाहर अगर नेगेटिव लगा दिया तो लेस देन जीरो बन गया। कौन से कहां से कहां तक, जीरो से पाई तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरवल है जीरो से पाई तक, वहां तक ये जो कोस एक्स फंक्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो कोस एक्स का डेरिवेटिव है, फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं, कोस एक्स पे। तो क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π, जीरो से पाई तक के इंटरवल पे कोस एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, डिक्रीज रहेगा। आप देख लीजिए कोस एक्स का ग्राफ, आप सबको आता है कोस एक्स का ग्राफ बनाओ, जीरो से पाई तक देखो कोस की वैल्यू डाउन 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 होती आ रही है, कोस 01, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 61, कोस 90 0, कोस 120 -1/2, तो वैल्यू लगातार डाउन होती आ रही है ना, 180 तक कोस की वैल्यू डाउन 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 आएगी, और फिर 180 के बाद कोस की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब देखिए 180 के बाद 210, 240, 270, इन सब पे फिर कोस की वैल्यू पहले के कंपैरेटिव कोस एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये लगातार डाउन होता आया यहां तक 180 डिग्री तक। इसके बाद अब ये उठना स्टार्ट हो गया है, ये डिक्रीज हुआ, अब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। बात समझ में आई? तो अब देखिए, अब कौन सा देखेंगे, व्हेन एक्स इज जीरो से पाई तक तो हो गया, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी देख लें। सो पाई से टू पाई तक, व्हेन पाई लेस देन एक्स लेस देन टू पाई, जब एक्स की वैल्यू पाई से टू पाई तक है तो जो साइन एक्स है देन साइन एक्स कैसा रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा। पाई से टू पाई तक ये साइन एक्स कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और जो एफ डेरिवेटिव एक्स है वो कितना है, माइनस साइन एक्स, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पाई से टू पाई तक ये नेगेटिव देगा, बाहर नेगेटिव और मिलेगा, तो रिजल्ट डेरिवेटिव का कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस एक्स द गिवन फंक्शन कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल π to π।
और पाई से 2π तक का ग्राफ अगर आप देखोगे cos x का, तो अब वो इंक्रीज फॉर्म में है। समझ में आया? तो आप सब उस ग्राफ को देखो कैसे हम कैलकुलस की फॉर्म से लिंक करके कैसे उसको हम स्टडी कर पा रहे हैं। ठीक है, इस cos x का ग्राफ बनाया ही नहीं हमने, मतलब उसका हमने देखा नहीं कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या वैल्यूज है, सीधे सीधे पता चल गया इसके रेट ऑफ चेंज से कि कहां से कहां तक इसका ग्राफ इंक्रीज होगा, कहां से कहां तक डिक्रीज होगा, ये सब हमें पता लग गया और कहां पर रेट ऑफ चेंज इसका जीरो है। समझ में आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है। चले क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करते हैं अब हम। एक आसान सा क्वेश्चन है, फंक्शन है साइन एक्स और इन्होंने इंटरवल पहले बना करके दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि साइन एक्स जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे, 0 से पाई बाई 2 तक। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे, पाई बाई 2 से पाई तक। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, कोस एक्स। ठीक है, हमें नेचर सिर्फ डेरिवेटिव का चेक करना है। कई बच्चे इस फंक्शन का नेचर चेक करने लग जाते हैं, सारा काम इस फंक्शन के लिए ही हो रहा है लेकिन नेचर तो डेरिवेटिव ही बताएगा कि इसका नेचर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो डेरिवेटिव आया cos x, फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सा इंटरवल है, ऑन इंटरवल 0 to π/2। अब आप देखिए 0 से π/2 तक जो डेरिवेटिव है कौन, cos x, 0 से π/2 तक cos x कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। cos x कैसे रहेगा, पॉजिटिव ही तो रहेगा, 0 से π/2 तक पॉजिटिव। इसका मतलब जो sin x है वो क्या है, स्ट्रिक्टली द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 π/2, 0 से π/2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर मैं चेक करूं कौन सा सेकेंड पार्ट, तो इसके सेकेंड पार्ट में इंटरवल है ऑन इंटरवल π/2π, तो डेरिवेटिव कितना है, cos x। इस π/2 से पाई तक cos x क्या रहेगा, 90 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर कोई एंगल है तो cos नेगेटिव देगा। इसका रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव आया। इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये जो cos x है ये sin x का रेट ऑफ चेंज है ना, तो अगर sin x का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो इसका मतलब जो sin x फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2π। और ऐसा ही होता है, अगर आप sin x का ग्राफ स्टडी करें तो sin x का जब आप ग्राफ स्टडी करेंगे बच्चे तो आप सब ये चीज पा भी देखेंगे भी। अब देखिए इन्होंने सिर्फ 0 से π/2 तक कहा था ना, तो 0 से π/2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये π/2 के ऊपर वैल्यू 1 है ना, तो 0 से π/2 तक क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और π/2 से पाई तक, क्योंकि ये पाई तक ही गए हैं बस, इंटरवल यही देखने थे, π/2 से पाई तक कैसा है, π/2 से पाई तक कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये जो पॉइंट है π/2 क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आप डेरिवेटिव को जीरो रखते, देखना अगर हम डेरिवेटिव को जीरो रखते तो cos x इज इक्वल टू जीरो, cos x अगर जीरो है तो x कितना आएगा, π/2 ही तो आएगा। इसका मतलब π/2 के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका रेट ऑफ चेंज π/2 के ऊपर जीरो रहेगा। तो π/2 से पहले और π/2 के बाद में देखा जाएगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आई होप आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और बहुत इंटरेस्ट आपका जम रहा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ही नहीं बल्कि पूरे ही चैप्टर पे। मैं तो कहूंगा पूरे चैप्टर पे इंटरेस्ट जमना चाहिए बच्चों, ठीक है। और इससे आप जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में था ना कि भाई -1 से 1 तक बताओ
वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो अगर यही क्वेश्चन अगर होता कि फंक्शन है साइन एक्स, ये कहता है कि प्रूव करो ये जो साइन एक्स फंक्शन है, इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, प्रूव करो जो साइन एक्स फंक्शन है वो जीरो से पाई तक के इंटरवल पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग रहेगा, तो पक्की बात है आप ऐसे ही करते, डेरिवेटिव को जीरो रखते तो एक्स आ जाता पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से अगर मैं जीरो से पाई तक चलूं तो जीरो से पाई के बीच में जीरो से पाई तक का ग्राफ जो बनेगा ये बनेगा साइन एक्स का, और उसमें एक पाई बाई टू के ऊपर रेट ऑफ चेंज जीरो हो गया, तो जीरो से पाई बाई टू तक इंक्रीज है, पाई बाई टू से पाई तक डिक्रीज है, तो ओवरऑल जीरो से पाई तक तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कह सकते ना बच्चे, गुड माय पॉइंट, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अरे बच्चों बता दिया करो आपका मैसेज डाल दिया करो कि कितना समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है कैसा नहीं, ऐसा थोड़ा दिमाग में ऐसा रहता है कि पता नहीं सामने वाले ने कैसे लिंक किया नहीं किया। ठीक है, उम्मीद तो यही है आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप सबको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और फोन जब आप ये सब चीज़ देखें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें दिमाग में स्टोर करने की। ठीक है, और साथ नोटबुक लेकर के बैठे, ऐसे नहीं कि आप ऐसे आप सोफे पे ऐसे लेट रहे हो, आप आराम से कहीं भी लेट रहे हो आराम रेस्ट फरमा रहे हो, रेस्ट फरमाते फरमाते आराम से ये वीडियो देख ली काम निपट गया, ऐसा नहीं करना बच्चों। ठीक है, पाप लगेगा बच्चों, मेरी मेहनत जो है उसका पाप लगेगा आपको अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे की कोशिश लेकर के आते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये आप करके देखें, आपके लिए छोड़ देते हैं, आसान से क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो 14 15 आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 जो ये क्वेश्चन रह गए इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत लेंथी ये लेक्चर वीडियो बन जाएगा आपके लिए भी, फिर एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो आपके हितों का ध्यान रखते हुए आपके कल्याणकारी भाव से बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, फॉर योर काइंड टास्क, आई डोंट नो कि वो वर्ड मुझे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, जो भी है आपका आपके इजी वे को देखते हुए इतना ही काम करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी कुछ वीडियो पीछे ही चल रहे हैं, तो अब कुछ ये आगे की जो अब मैं चार पांच वीडियो हैं ये छोटी छोटी ही रखूंगा, जिसमें ज़्यादा काम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप सब ताकि बहुत जल्दी से काम करते करते पैरेलल में आ जाए, अगर आपको लगता है कि आज ये छोटा काम कम था ये हमने कंप्लीट कर लिया है तो आगे की वीडियो भी उसी दिन देख ले जो बच्चे पीछे चल रहे हैं, और जो रोज देख रहे हैं वो तो एक ही देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।